पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। सेना को आंख दिखाना उन्हें महंगा पड़ गया है। पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा उन्हें कोर्ट परिसर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के हालात तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। वहीं इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि इमरान खान को किस केस में गिरफ्तार किया गया है। एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ के सहयोग से पुंछ के शंकरनगर मोहल्ले में छापेमारी कर आतंकवाद संबंधित मामले में यूपी के एक नागरिक को गिरफ्तार किया है। वो यहाँ नाई की दुकान में काम करता था। वहीं इस दौरान उससे 3 मोबाइल फोन्स बरामद किए हैं। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के गुरेज घाटी के सीमावर्ती क्षेत्र में बेरोजगारी के मुद्दे को हल करने के लिए भारतीय सेना ने सराहनीय कदम उठाया। क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सेना ने गुरेज बांदीपुर में 2 दिवसीय पोर्टर भर्ती रैली का आयोजन किया। इस भर्ती रैली के दौरान 600 खाली पद भरे जाएंगे। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि ये रैली न केवल क्षेत्र के युवाओं को रोजगार प्रदान करेगी बल्कि क्षेत्र के विकास और प्रगति में भी योगदान देगी। सीआरपीएफ की 3rd बटालियन बांदीपुरा द्वारा अरागाम गांव में एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में आम लोगों ने मेडिकल चेकअप कर फ्री दवाइयां ली। वहीं कमांडेंट राकेश शर्मा ने कहा कि हमारे सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत 3rd बटालियन द्वारा ऐसे मेडिकल कैंप लगातार आयोजित किए जा रहे हैं ताकि स्थानीय जनता को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। रियासी की जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने में स्वास्थ्य विभाग असफल होता दिखाई प्रतीत हो रहा है, जहां आम लोग विभाग का विरोध कर रहे हैं और विरोध का कारण डॉक्टरों का अस्पताल में नहीं आने को लेकर है। पिछले 10 दिनों से अस्पताल में सर्जन डॉक्टर ही मौजूद नहीं। आम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यहां अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के साथ साथ कैंटीन की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। लोग दूर दूर के इलाकों से यहां इलाज करने आते हैं, पर यहां इलाज उन्हें नहीं मिलता। जो इक्का दुक्का मरीज यहां इलाज करने आते हैं उन्हें भी जम्मू रेफर कर दिया जाता है। डोडा में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के उपलक्ष्य में कई गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसमें ब्लड डोनेशन कैंप्स, फ्री मेडिकल कंसल्टेशन कैंप्स, अवेयरनेस प्रोग्राम, हेल्थ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रैलीज, फ्री आई स्क्रीनिंग कैंप्स और अन्य गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस वर्ष वर्ल्ड रेड क्रॉस डे का विषय है एवरीथिंग वी कैन डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। इसका मुख्य कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज डोडा में किया गया। डीसी डोडा द्वारा रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया गया। वहीं उन्होंने युवाओं से अच्छे कारणों के लिए रक्तदान करने का आह्वान किया। राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्म कुमारियां द्वारा आयोजित 5 दिवसीय नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस का मेडिटेशन समारोह संपन्न हुआ, जिसमें देश भर से 400 से अधिक मीडिया कर्मियों और शिक्षाविदों ने भाग लिया। इस मीडिया सम्मेलन को आयोजित करने का उद्देश्य देश में मीडिया का राष्ट्रीय विकास किया जा सके और एक समृद्ध भारत का निर्माण किया जा सके।